यह है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। 4 जून सुबह 8 बजे खुलेगा ईवीएम का पिटारा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का होगा फैसला। प्रत्याशियों की धड़कनें तेज, मतगणना के लिए सुरक्षा पुख्ता। खूंटी के बिरसा कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र में होगी वोटों की गिनती। कुल 150 टेबल में 20-20 राउंड में होगी काउंटिंग। जिला निर्वाची पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। पलामू लोकसभा सीट के लिए 22 राउंड में होगी मतगणना। 9 बजे तक आ सकता है पहला रुझान। डीसी शशि रंजन ने काउंटिंग सेंटर जीएलए कॉलेज का लिया जायजा। हजारीबाग लोकसभा सीट पर मतगणना के लिए पुख्ता तैयारी। सीआरपीएफ और जैप की कंपनियां रहेंगी तैनात। शहर से लेकर बाजार समिति तक पुलिस बलों की होगी तैनाती। ट्रैफिक रूट में भी हुई तब्दीली। काउंटिंग के दिन के लिए कांग्रेस की विशेष रणनीति। अपने अपने मतगणना केंद्र के आसपास डटे रहेंगे सभी जिलाध्यक्ष। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया निर्देश। बीजेपी का आरोप, काउंटिंग सेंटर के बाहर उपद्रव फैला सकती है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव परिणाम पर टिकी निगाहें। झारखंड की 14 सीटों के परिणाम को लेकर प्रदेश भाजपा सशंकित। आला नेता दबी जबान में बता रहे, दहाई का आंकड़ा भी पार करना होगा मुश्किल। बोकारो में टूटा आसमानी कहर। बालीडीह में खेलने के दौरान वज्रपात से बच्चे की मौत। ठनका गिरने से 6 बच्चे झुलसे। राधा गांव के दुलालपुर की घटना। बंदरों का कब्रगाह बना कुआं। पलामू में कुएं में मिला 35 बंदरों का शव। पानी पीने के लिए कुएं में कूदने के दौरान मौत की जताई जा रही आशंका। पांकी थाना क्षेत्र के सोरठ की घटना। गढ़वा में धर्म परिवर्तन के मामले में 4 लोगों पर FIR। ग्रामीणों का आरोप, लालच और धमकी देकर जबरन बदलवा रहे उनका धर्म। छानबीन में जुटी पुलिस। रांची में HEC मजदूरों का धरना प्रदर्शन। मुख्यालय के समक्ष एकजुट हुए मजदूर। प्रबंधन द्वारा सप्लाई मजदूरों को हटाने का किया विरोध। खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।